हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड इवनिंग, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में बेल्ट्रॉन स्टेनो की स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आपको 60 क्वेश्चन के साथ साथ इसके साथ एडिशनल फैक्ट्स बहुत ज़्यादा आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्जर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मर्ज प्रोसेसर का पहला एक चरण नहीं है, इनमें से कौन सा मर्ज प्रोसेस का चरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मर्ज डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट करें, तो ये जो है मुख्य दस्तावेज का स्वरूपण नहीं है, ठीक है। तो मर्ज प्रोसेस का ये पहला चरण नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड से क्वेश्चन बन रहा है 2016 से, तो एमएस वर्ड है क्या? तो एमएस वर्ड में क्या क्रिएट करते हैं? सबसे पहले एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, बाउचर क्रिएट करते हैं, आउटलाइन या रिज्यूम बनाने के लिए या सिंपल वेब पेजेस बनाने के लिए आप एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है 2016 का? तो ये होता है .docx। क्या होता है? .docx। ये एमएस वर्ड 2016 में एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये .docx। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिफॉल्ट नेम क्या है एमएस वर्ड का, डिफॉल्ट नेम क्या है? तो एमएस वर्ड का डिफॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट वन। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? एमएस वर्ड का डिफॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट वन। एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले स्टार्ट, स्टार्ट के पास फिर एमएस ऑफिस, उसके बाद एमएस वर्ड, इस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। न्यू ऑप्शन एमएस वर्ड में किस टैब मेनू में होता है? न्यू ऑप्शन एमएस वर्ड में किस टैब मेनू में होता है? तो ये होता है आपका फाइल टैब में। किस में होता है? फाइल टैब, ठीक है। एमएस वर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन पूछते हैं बेल्ट्रॉन में, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट, तो जो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। ये किसका होता है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस इक्वल टू होता है सब स्क्रिप्ट का। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट, तो जो सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कहा हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, यानी कि CTRL प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर का नाम है? तो जो इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर का नाम होता है उसको कहते हैं होस्ट। उसको क्या कहा जाता है? होस्ट। अब इंटरनेट से जुड़ी कुछ और हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले HTTP का फुल फॉर्म पूछ देते हैं, URL का फुल फॉर्म पूछा जाता है, WWW का फुल फॉर्म पूछा जाता है, TCP/IP का फुल फॉर्म। आपको यदि इनमें से फुल फॉर्म्स पता है तो आपको इन सभी फुल फॉर्म्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके, सबसे पहले HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, WWW का होता है वर्ल्ड वाइड वेब, TCP/IP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। असेंबली भाषा डैश कोड का प्रयोग करती है, तो असेंबली भाषा किस कोड का प्रयोग करती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो असेंबली भाषा होती है वो कौन सा कोड का प्रयोग करती है? तो वो प्रयोग करती है निमोनिक्स। किसका प्रयोग करती है? तो असेंबली भाषा निमोनिक्स कोड का प्रयोग करती है। असेंबली भाषा किसका प्रयोग करती है? निमोनिक्स का प्रयोग करती है। प्रश्न नंबर 5। एक्सेल फाइल पर पासवर्ड एप्लीकेशन को हटाने का क्या तरीका है? ठीक है, तो इसके लिए वर्कबुक को खोलने के लिए पासवर्ड डालना और फिर परमिशन या एनक्रिप्ट विद पासवर्ड बॉक्स में बने पासवर्ड को डिलीट करना, ठीक है। प्रश्न नंबर 6। विकल्प सेल्स के चयनित रेंज से कंट्रास्ट फॉर्मेटिंग इनफेक्ट्स और कमेंट्स को हटाता है, ये होता है क्लियर ऑल। किससे होता है? क्लियर ऑल से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। कंप्यूटर को चलाने वाली मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम कौन सी है? तो कंप्यूटर को जो चलाने वाली मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
आपके बेल्ट्रॉन के एग्जाम में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्टकट कीज का। तो शॉर्टकट कीज कुछ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ओपन करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ से ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस ओ से ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से हम क्लोज करते हैं। फिर कंट्रोल प्लस एक्स से हम कट करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स से कट करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल किया जाता है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड के लिए होता है, कंट्रोल प्लस आई होता है इटैलिक के लिए। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है अंडरलाइन के लिए। तो कंट्रोल प्लस यू होता है अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस यू होता है अंडरलाइन के लिए। उसके बाद कैंसिल करना है, यदि आपको कैंसिल करना है तो उसके लिए एस्केप की दबाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एमएस एक्सेल में स्मार्ट आर्ट विकल्प डैश टैब में होता है। तो एमएस एक्सेल में जो स्मार्ट आर्ट विकल्प है वो इंसर्ट टैब में होता है। किस में होता है? एमएस एक्सेल में जो स्मार्ट आर्ट विकल्प होता है वो इंसर्ट टैब में होता है। प्रश्न नंबर 9, एमएस एक्सेल 2016 वर्कबुक पुस्तिका में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू के संरक्षित किया जा सकता है? तो वो होता है फाइल एंड रिव्यू। क्या होता है? फाइल एंड रिव्यू, वो होता है फाइल एंड रिव्यू। प्रश्न नंबर 10, एमएस पावर पॉइंट प्रोजेक्शन को राइट लिखने और डिजाइन अभिकल्पित करने के लिए किस व्यू का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है नॉर्मल व्यू। कौन सा व्यू होता है? NORMAL, नॉर्मल व्यू। प्रश्न नंबर 11, सिस्टम की डेट तारीख और डेट और टाइम को डैश में देखा जा सकता है, तो वो नोटिफिकेशन एरिया में देखा जाता है। कहाँ देखा जा सकता है? नोटिफिकेशन एरिया में देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, प्रिंटेड आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो प्रिंटेड आउटपुट को कहा जाता है हार्ड कॉपी। क्या कहा जाता है? प्रिंटेड आउटपुट को कहा जाता है हार्ड कॉपी। अब आउटपुट की बात कर लेते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? मॉनिटर प्रिंटर, ये सब क्या है? ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। और अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 पे पहुंचते हैं कि एमएस एक्सेल में आप दो बार डैश द्वारा कॉलम की चौड़ाई ऑटोफिट कर सकते हैं। तो वो होता है कॉलम हेडर का राइट बॉर्डर पर डबल क्लिक करके। कैसे? कॉलम हेडर पर राइट बॉर्डर पर डबल क्लिक करके। ठीक है, कुछ आपको शॉर्टकट कीज बता देते हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो है सेट लाइन स्पेसिंग के शॉर्टकट की, जिसमें सबसे पहला होता है कंट्रोल प्लस वन किया जाता है सिंगल स्पेस लाइन के लिए। कंट्रोल प्लस वन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सिंगल स्पेस लाइन के लिए। कंट्रोल प्लस दो इस्तेमाल किया जाता है डबल स्पेस लाइन के लिए और कंट्रोल प्लस पाँच का इस्तेमाल किया जाता है सेट 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए। ये देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ कंट्रोल वन, कंट्रोल टू, कंट्रोल फाइव, ये सब सेट लाइन स्पेसिंग का शॉर्टकट कीज है। कंट्रोल प्लस वन यूज करेंगे स्पेस सिंगल स्पेस लाइन के लिए, कंट्रोल प्लस टू डबल स्पेस लाइन के लिए और कंट्रोल प्लस फाइव का इस्तेमाल किया जाएगा सेट 1.5 स्पेसिंग के लिए। ठीक है, और यदि हमको जो लाइन का स्पेस है वो प्रिसीड करना है पैराग्राफ वाइज, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस जीरो इस्तेमाल करते हैं। यही चार शॉर्टकट की जो होते हैं जो बार बार पूछा जाता है बेल्ट्रॉन के एग्जाम में। प्रश्न नंबर 14वां प्रश्न क्या है कि एमएस वर्ड 2016 एप्लीकेशन का अनुप्रयोग डैश डिफॉल्ट नेम के साथ किया जाता है। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, उसी में मैंने बता दिया था प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट वन नाम से, वही है इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, डैश पूरे प्रोग्राम में ह्यूमन रीडेबल मानव यानी कि पठनीय सूत्र कोड को मशीन लैंग्वेज भाषा कोड में बदल देता है, वो होता है कंप्लायर। वो क्या होता है? कंप्लायर। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, टेक्स्ट प्रकटन को बदलने के लिए इनमें से किस टूल बार में बटन्स होते हैं?
टेक्स्ट प्रकटन को बदलने के लिए इसमें किस टूल बार में बटन्स होते हैं, तो वो होता है फॉर्मेटिंग में। किस में होते हैं? फॉर्मेटिंग में होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, एमएस एक्सेल में करेंट सेल को क्या नाम देते हैं जिसके चारों ओर एक सेल बाउंड्री होती है, तो उसको कहते हैं एक्टिव सेल। उसको क्या कहते हैं? एक्टिव सेल, यानी कि सक्रिय कक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा बटन एप्लीकेशन विंडो को बड़ा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा बटन एप्लीकेशन विंडो को बड़ा करता है? तो वो होता है मैक्सिमाइज बटन। कौन सा बटन होता है? मैक्सिमाइज बटन। प्रश्न नंबर 19, किसी डेटा सीट पर रो या कॉलम का सेट उन्हें अदृश्य बनाने के लिए डैश का साथ होता है, तो वो होता है ग्रुप्स। किसका? ग्रुप्ड। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, किसी स्लाइड लेआउट में केवल टाइटल फील्ड होता है, किस स्लाइड लेआउट में केवल टाइटल फील्ड होता है, तो वो टाइटल ओनली में। किस में? टाइटल ओनली में। कुछ मैं आपको फंक्शन की का मैं बता देता हूँ, जैसे कि F1, ठीक है, F1 फंक्शन की किसके लिए होता है? F1 फंक्शन की होता है, सीधी याद रख लीजिए, हेल्प के लिए। F1 फंक्शन की किसके लिए होता है? हेल्प के लिए। F2 फंक्शन की किसके लिए होता है? टेक्स्ट को मूव करने के लिए, मूव टेक्स्ट, टेक्स्ट को मूव कराने के लिए F2 होता है। फिर है F4, F4 किसके लिए होता है? F4 होता है आपका रिपीट द लास्ट एक्शन। यदि आपको लास्ट एक्शन को रिपीट करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है F4। F5 किसके लिए होता है? F5 के लिए होता है चूज द गो टू कमांड। गो टू कमांड के लिए होता है F5। ये MS Word के फंक्शन की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। F5 होता है गो टू कमांड के लिए, ठीक है। फिर आता है F6 क्या होता है? गो टू द नेक्स्ट प्लेन। अगर नेक्स्ट प्लेन में जाना है तो उसके लिए F6 जब आते हैं, और अगर स्पेलिंग कमांड को, स्पेलिंग को चूज करना है, ठीक है, स्पेलिंग को चूज करना है, उसके लिए F7 का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेलिंग को चूज करने के लिए या चूजिंग द स्पेलिंग कमांड रिव्यू टैब करने के लिए वो F7 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ बेस्ट ऑफ लक।